बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको सूरह हशर की आखिरी जो तीन आयात हैं, नूरानी, करिश्माती और मौजज़ाती, ये आयात हैं, इनकी अफादियत, इनकी फजीलत और इनके तीन करिश्माती कामों के मुतल्लिक आपको बताया जाएगा। इनकी फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी शख्स ने इसमें आज़म को तलाश करना हो तो कहा जाता है कि सूरत हशर की इन तीन आयात में तलाश करे, क्योंकि इसमें आज़म को इन तीन आयात में छुपा के रखा गया है। दूसरी बात यह है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया है कि इन आयात को जो शख्स सुबह के वक्त पढ़ता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसकी मगफरत की दुआ करते हैं, और इस दौरान अगर वो शख्स फौत हो जाता है तो फिर उसका शुमार शहीदों में होता है, और इसी तरह का मामला शाम को पढ़ने से होता है। यानी शाम को जो शख्स पढ़ लेता है तो 70,000 फरिश्ते सुबह तक उसकी मगफरत की दुआ करते हैं, और अगर वह शख्स फौत हो जाता है तो उसका शुमार शहीदों में होगा। और ज़मीन और आसमान में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब उस शख्स की मगफरत की दुआ करती हैं। एक दफ़ा मैं सुन रहा था कि एक डॉक्टर थे, वो कह रहे थे कि ये मतलब हदीस जो है वो ज़ईफ़ है, तो मैंने जब मज़ीद तहकीक की तो पता चला कि अब तो साइंस के हवाले से भी ये इस अल्लाह ताला के असमा की जो बरकत है, जो नौरानियत है, वो साइंस के असूलों से भी साबित हो चुकी है। जैसे डॉक्टर मसैरो की एक रिसर्च है पानी के ऊपर, उसका मैंने अपनी वीडियो में भी जिक्र किया, आप ज़रूर देखिएगा कि पानी के ऊपर जब अल्लाह ताला के इन असमा को, मालिकुल कुद्दूस, इन असमा को जब वहाँ पर, जो इन तीन आयात में आते हैं, जब इनको वहाँ पर पुकारा गया तो ऐसी नौरानी स्ट्रक्चर बने, ऐसा नौरानी उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना, ऐसे डिज़ाइन बने जो पहले किसी भी हरफ से नहीं बने। तो मैं बताऊंगा कि इनको पढ़ने से किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आती है और किस तरीके से नौरानियत हमें मिलती है। ये तीन आयात तीन मुख्तलिफ करिश्मों का मज़हर है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जब हम इन तीन आयात को देखते हैं तो तीनों जो हैं वो हु अल्लाह से शुरू हो रही हैं। हु एक मुकाम है। हज़रत सखी सुल्तान बहू सरकार ने इस मुकाम का तकरीबन अपने हर शेर में मार्फत के तौर पर इसका जिक्र किया है, और ये एक मुकाम है। इसकी जो पहली आयत है वो है हु अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम। ये आयात रूहानी इलम के ख़जानों को हासिल करने के लिए है, क्योंकि इसमें उन इलम की बात की गई है कि जो ज़ाहिर हैं या छुपे हुए हैं, वो ख़जाने अगर अपने हासिल करने हैं तो इस आयत मुबारक की बरकत से, इसके मुराकबे से हासिल होंगे। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अलमालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुबहानल्लाही अम्मा युश्रिकून। यानी कि ये आयात हुक्मरानी और हिफाजत के लिए और इज्जत और शोहरत के लिए बड़ी ही मुजर्रब और कारगर साबित होती है। तीसरी जो आयत है दोस्तों वो है हुवल्लाहुल खालिकुल बारीउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। दोस्तों, ये जो आयत है दिमाग को 100% चार्ज करती है। अगर किसी को जहनी तौर पर कमज़ोरी है या दिमाग सही तरह से काम नहीं करता या यादाश्त का मसला है तो दोस्तों उसमें यह आयत बहुत कारगर साबित होती है। और दूसरी बड़ी बात यह कि इस आयत की बरकत की वजह से दिमाग के खुलिए जो है ना वो खुल जाते हैं, और उनसे ये होता है कि इंसान नई इजादात, रिसर्च और तख्लीक की तरफ चला जाता है, वो उसका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है।
तो इन तीन आयात की तीन बरकात मैंने बताई हैं दोस्तों। इन तीन आयात की बरकतों को मराकबे के इल्म के ज़रिए मज़ीद हासिल किया जा सकता है, क्योंकि जब आप गौर व फिक्र करते हैं, क्योंकि कुरान के अंदर एक पैगाम मौजूद है, पढ़ने से हमें सवाब मिलता है और समझने से हम वो चीज़ें रूहानी तौर पर हम हासिल करते हैं। बाकायदा तौर पर ये एक इल्म है, ये एक एजुकेशन है। तो जब आप मराकबे के ज़रिए गौर व फिक्र करते हैं, क्योंकि कुरान में 1500 मरतबा जो है वो गौर व फिक्र का, तकरीबन 1500 मरतबा गौर व फिक्र का हुक्म आया है। तो जब आप गौर व फिक्र करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो फिर आप ज़्यादा मुतमिन हो जाते हैं, फिर आपको चीज़ की समझ ज़्यादा आ जाती है। तो इस हवाले से दोस्तों मुख्तलिफ़ तरह के जो मराकबे के इलम है वो सीखें, एनर्जी कैसे काम करती है वो सीखें, क्योंकि आजकल ज़माना माइंड साइंसिस का है। तो आपके पास जो है वो रूहानी तौर पर इलम का होना बड़ा ज़रूरी है, चीज़ को समझना जो है ना वो भी बड़ा ज़रूरी है। तो लाइफ स्किल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैग्नेटिक पावर्स के मुतल्लिक आपके पास मालूमात होनी चाहिए कि वो कैसे काम करती हैं और इंसान के अंदर कौन कौन सी ताकतें मौजूद हैं, कैसे उन्हें हम हासिल कर सकते हैं। तो इन सब हवालों से हम कोर्सेज भी करवाते हैं, तो अगर आपने करना हो तो दिए गए नंबर्स पर राबता कीजिएगा। अब इसका तरीक़ेकार मैं बताता हूँ सूरत हशर की आखिरी आयात को पढ़ने का। दोस्तों अगर आपने मुतलका फ़वाइद लेने हैं, जैसे अगर कोई रूहानी इलम की तरफ आना चाहता है तो वो पहली आयत को पढ़ना शुरू कर दे, अगर कोई हुक्मरानी चाहता है, इज्जत चाहता है, हिफाजत चाहता है तो दूसरी आयत को पढ़ना शुरू कर दे, और अगर कोई दिमाग को तेज़ करना चाहता है तो तीसरी आयत को पढ़ना शुरू कर दे। पढ़ना कितना है दोस्तों, 111 मरतबा, पहली आयत को 111 मरतबा, दूसरी आयत को 111 मरतबा, तीसरी आयत को। अगर आपने तीनों को इकट्ठा पढ़ना हो तो 40 मरतबा पढ़ेंगे, ठीक है। अगर अलहदा अलहदा पढ़ना हो तो 111 मरतबा पढ़ेंगे, ये फ़र्क ज़रा जहन में रखिएगा। और उसके बाद फिर आपने बैठ जाना है 5 मिनट के लिए और मुराकबा करना है। इसके साथ दोस्तों इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जिस जगह आप ये आयात पढ़ रहे हों उस जगह पर खामोशी हो और खुशबू वगैरह का ज़रूर इंतज़ाम करें जब आप इन आयात को पढ़ रहे हों, ठीक है। और आप इन आयात को जब पढ़ना है, आपने 40 दिनों के लिए पढ़ना है, आपने ये वजीफ़ा जो है वो 40 दिनों के लिए है। तो ये इसमें मज़ीद कोई बात पूछनी हो जो ना समझ आई हो तो रबता आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोर्सेज के बारे में तफसील लेनी हो या करने हो तो फिर आप दिए गए नंबर्स पर रबता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।